अब आइए हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमने मान लिया है कि n जो है कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो ऑन डिवाइडिंग n बाई 6, लेट m बी द क्वोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर। अगर हम n को 6 से डिवाइड करते हैं तो m जो है क्वोशेंट निकल जाता है और r जो है रिमाइंडर निकल जाता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे रफ यूज करके दिखा सकते हैं कि n इस को अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो m जो है क्वोशेंट निकल गया और r जो है रिमाइंडर निकल गया। हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड के जगह पे हमने यहाँ पे एन लिख दिया, डिवाइजर के जगह पे 6 लिख दिया, कोशेंट के जगह पे एम लिख दिया और रिमाइंडर के जगह पे आर यहाँ पे रहने दिया है। तो एन इज इक्वल टू हो गया 6m+r। तो इस वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, वेयर 0 इज लेस देन इज इक्वल टू आर इज लेस देन 6। तो आर इज इक्वल टू हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब n इज इक्वल टू 6m+0। हमने यहाँ पे r का जो है 0, 1, 2, 3, 5 जो वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था इसको यहाँ बारी बारी से सब में पुट कर दिया है। तो n इज इक्वल टू हो गया 6m, n इज इक्वल टू हो गया 6m+1 इसमें, फिर इसमें से 2 कॉमन निकल गया तो 2 बाहर रह गया, 3m+1 हो गया, फिर n इज इक्वल टू 6m+3 हो गया, फिर n इज इक्वल टू 3m+2, फिर n इज इक्वल टू 6m+5। लेकिन हम जानते हैं कि 6m जो है एक इवन इंटीजर है, या फिर 6m+2 भी एक इवन इंटीजर है और 6m+4 भी एक इवन इंटीजर है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ये जो सारा है ये मल्टीपल्स ऑफ 2 है, ये इसलिए ये जो है ये इक्वल टू नहीं होगा n का, क्योंकि हमने शुरू में ही माना था कि n जो है एक ऑड इंटीजर है। इसलिए n इज इक्वल टू हो गया 6m+1, 6m+3 और 6m+5। इसलिए हम कह सकते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m+1 और 6m+3 और 6m+5, वेयर m इज सम इंटीजर, m कोई भी।